ऐसे कौन से नबी थे जो जिन के ऊपर काबू कर सकते थे और वो जानवरों से बात करते थे? यस यू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। प्लीज याद कर, आपको मिलेगा एक गिफ्ट फ्रॉम IRC। प्लीज सामने आ जाइए, कम फॉरवर्ड। जमजम का मतलब क्या होता है? जमजम का मतलब होता है थम जा। अल्लाह ताला के कितने नाम है? सब साथ में बोलो कितने हैं? ओके, अल्लाह ताला का एक नाम है अल गनी, इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? मालदार। नॉट एग्जैक्टली, कोई और ट्राई करेगा? बहुत डरने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेनियाद। बिल्कुल सही जवाब इनका, इनके लिए जोरदार तालियां। कुरान का दूसरा नाम क्या है? आसमानी किताब। रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पास। करीम। रॉन्ग आंसर। अल्लाह की किताब। मैं आंसर, प्लीज उधर बना दो नीचे। क्वेश्चन पास, क्वेश्चन पास। मुसाब। मैं आंसर। पता है? ओके ओके फाइन, जस्ट अ सेकंड। नबी व सहाबा। ओके ओके, स्टॉप इट देन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। व्हाट्स द आंसर? अल फुरकान है कुरान। वेरी गुड, अल फुरकान इज द करेक्ट आंसर। बॉस सही जवाब आपने। आपको मुझे कॉमन सॉल्ट नमक का केमिकल फॉर्मूला बताना है। NaCO। NaCO। थोड़े से रह गया, थोड़े यस जो पीछे होंगे नीचे। NH3। जो पीछे बैठे होंगे नीचे, पीछे बैठे होंगे नीचे। NaOH। नो यस, और कोई इनके ग्रुप से, और कोई इनके ग्रुप से, और कोई इनके ग्रुप से। NA2Y। अच्छा, और उन्हें कौन बताना चाहिए? रेजे रान। ओके, क्वेश्चन पास टू दिस ग्रुप। NASN। मैं विंटर अदर विंटर दे दे विंटर दे बाद यू। NASN। ये गुड करेक्ट आंसर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू एजुकेशन एक्सपो 2022। आई वेलकम यू ऑल टू ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस एक्सपो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्विक क्विज एक्टिविटी एंड अ क्विक क्विज गेम फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स। सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस। हम लोग अभी एक क्विक क्विज एक्टिविटी लेने वाले हैं। दिस एक्टिविटी इज स्पॉन्सर्ड बाय IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर, एंड दिस एक्टिविटी इज कंडक्टेड बाय की लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट। सो इस क्विज के सिंपल रूल्स है, मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सिर्फ अपने हाथ ऊपर करना है। क्या करेंगे सभी लोग? कौन सा हाथ? राइट हैंड। ओके, यू जस्ट हैव टू रेज योर राइट हैंड, और कोई भी क्राउड से आंसर को बोलेगा नहीं, जिसको मैं फिर बुलाऊंगा यहाँ पे वो आंसर बोलेंगे और उनको उसका गिफ्ट मिलेगा। ओके ओके फाइन। हमारे क्विज में मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ इस्लामिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड क्वेश्चन। इसको और आसान बनाने के लिए वील हैव 3 राउंड्स। पहला राउंड इस ग्रुप के लिए, ओके, फिर हम सेकेंड ये वाला ग्रुप, और थर्ड फिर ये वाला ग्रुप, तो आपको आसानी हो जाएगी। सो माय द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज कॉम्पिटिशन टू दिस ग्रुप इज, Which prophet had control of the jinn and was able to talk to animals? ऐसे कौन से नबी थे जो जिन के ऊपर काबू कर सकते थे और वो जानवरों से बात करते थे? Yes, you? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। Very good, correct answer. Please याद कर रहे। सामने आ जाइए, आपको मिलेगा एक गिफ्ट फ्रॉम IRC। प्लीज सामने आ जाइए, कम फॉरवर्ड। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो इस रो के लिए है। जमजम का मतलब क्या होता है? Yes, इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, खड़े हो जाइए। जमदम का मतलब होता है थम जा। बिल्कुल सही जवाब इनके लिए जोरदार तालियां, इनको गिफ्ट मिलेगा IRC की तरफ से। थैंक यू। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इस ग्रुप के लिए। अज़क्कम क्या है? व्हाट इज अज़क्कम? यस, व्हाट इज अज़क्कम? नाउ
क्वेश्चन पास टू द टीचर्स, टीचर्स में से कोई बता सकता है अज़क्कुम क्या है? यस मैम, इट इज अ फ्रूट ऑफ हेल व्हिच विल बी सर्व्ड टू द ड्वेलर्स ऑफ हेल. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. प्लीज मैम, प्लीज कम फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. नाउ फॉर द नेक्स्ट राउंड आई आस्क यू सम जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस. हम साइंस और जीके के क्वेश्चंस पूछेंगे. सो सर, क्या आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ टू दिस ग्रुप माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISRO, इसरो? यस, इन्होंने पहले हाथ उठाया, इनके पास दे दीजिए माइक. इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर. इंडियन ऑर्गेनाइजेशन. रैम पास पीछे पीछे दे दीजिए माइक. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. प्लीज सामने आ जाइए आप. बिल्कुल सही जवाब, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इनके लिए जोरदार तालियां. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिस ग्रुप, who was the first female prime minister of India? In this group ke liye. First female prime minister. Okay, first we'll give chance to students, then to teachers. Agar students se nahi bola to teachers ko. Indira Gandhi. Very good, sahi jawab. Shrimati Indira Gandhi is the correct answer. Please come forward. You're welcome. Okay, thank you so much. Now, माई नेक्स्ट क्वेश्चन आप जा सकते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिस ग्रुप. ओके, योर क्वेश्चन इज, नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर विल बी मल्टीपल आंसर्स. यू हैव टू टेल मी फाइव इंडियन स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स. पांच भारत के राज्य उनके कैपिटल्स के साथ बताने हैं. फाइव इंडियन स्टेट्स विद द कैपिटल्स. पांच भारत के राज्य उनके कैपिटल्स के साथ. महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, कश्मीर, श्रीनगर, मध्य प्रदेश, इंदौर, तेलंगाना, हैदराबाद. कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, सो वो स्टेट में नहीं आएगा. चार हो गए आपके लास्ट. कर्नाटका, बेंगलुरु. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. बड़ा सही जवाब दिया इन्हें. प्लीज स्टेज पर आओ. आपको IRC की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है. जोरदार तालियां इनके लिए. वेरी गुड, वेरी गुड. प्लीज यू मे गो नाउ. Now we have four groups, 1, 2, 3, and 4. So we'll ask, continue the question series with them. हम उनके साथ हमारे सवाल जवाब शुरू करते हैं. So अभी आप अपने quiz competition के next round के लिए तैयार हैं? Very good. So हम हमारा quiz competition का अगला round शुरू करते हैं. अब मेरा सवाल है इस group के लिए. आप कौन से स्क्रीन से आ रहे हैं? Okay, इकरा boys, आपके लिए सवाल है. सवाल को सुनिएगा, जिसे जवाब पता है वो अपना सीधा हाथ ऊपर उठाएंगे. ठीक है? ओके, सिदरत अल मुंतहा क्या है? सिदरत अल मुंतहा क्या है? अल्लाह ताला का अर्श, जहां मतलब काबतुल्ला से ऊपर सातवें आसमान पर, जहां पर अल्लाह ताला का अर्श है. नॉट एग्जैक्टली, कोई और बताना चाहेगा? Yes. बेरी का दरख. बिल्कुल सही कहा आपने. जोरदार तालियां इनके लिए. प्लीज कम ऑन द स्टेज. आपको IRC की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा. प्लीज कम ऑन द स्टेज. बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच. नाउ माय क्वेश्चन टू द नेक्स्ट ग्रुप. यहाँ पे इस स्कूल के बच्चों के लिए अगला सवाल मेरा. अच्छा, अल्लाह ताला के कितना नाम है? सब साथ में बोलो कितने है? ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट सवाल उसके ऊपर बेस है कि अल्लाह ताला का जो नाम है अल मुइज, उसका मतलब क्या होता है? यस, खड़े हो जाइए. इज्जत देने वाला. बिल्कुल सही जवाब. आपका जोरदार तालियां इनके लिए. प्लीज स्टेज पर आ जाइए. थैंक यू वेरी मच. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला सवाल इस ग्रुप के लिए, जन्नत के अंदर तौबा किसे कहा जाएगा या फिर तौबा क्या है? यस, दरख्त. बिल्कुल सही जवाब इनका. इनके लिए जोरदार तालियां. प्लीज स्टेज पर आ जाइए. यू मोस्ट राइट. नाउ हमारा अगला सवाल इन ग्रुप के, इस ग्रुप के लिए. तैयार हैं आप सभी लोग? ओके, अल्लाह ताला का एक नाम है अल गनी, इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा?
मालदार नॉट एग्जैक्टली कोई और ट्राई करेगा यस इन्हें दीजिए इनको सामने बहुत डरने वाले नहीं बिल्कुल नहीं बेनियाद बिल्कुल सही था आप इनका इनके लिए जोरदार तालियां ये स्टेज पर आ जाइए आपको आईएनसी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा बिल्कुल सही जी द मीनिंग ऑफ अलगनी इज द इंडिपेंडेंट जैसे बेनियाज वेरी गुड थैंक यू सो मच कैसे आप लोग सभी एंजॉय कर रहे हैं एक्टिविटी को आवाज नहीं आ रही एंजॉय कर रहे हैं वेरी गुड माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है अब मेरा नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जो ग्रुप है क्रिश्चियन स्कूल का उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था यस खड़े हो जाइए अबू नहाब बिल्कुल सही जवाब इनका इनके लिए जोरदार तालियां अबू नहाब प्लीज स्टेज पर आइए आपको आईआरसी की तरफ से और की लाइफ साइंस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा क्या नाम आपका माज बहुत बहुत शुक्रिया माज चलिए अब हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं इस राउंड में मैं आपसे कुछ जीके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछूंगा क्या आप सभी लोग तैयार हैं ओके नाउ यहाँ से शुरू करेंगे इकरा बॉयज स्कूल आपका सवाल है इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा बड़ी है कोस्ट लाइन मतलब वो पानी की जो होता है ना बॉर्डर पानी का वाटर बॉर्डर वो सबसे ज्यादा कौन से बड़े स्टेट ओके यस गुजरात वेरी गुड सही जवाब आपका इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज कम ऑन द स्टेज यस अब मेरा अगला सवाल है इस ग्रुप के लिए जो मेरे सामने बैठा है क्या आप लोग तैयार है ओके द क्वेश्चन फॉर दिस ग्रुप इज उनसे आपको इस क्वेश्चन में भी आपको यू नो पांच नाम बोलने पड़ेंगे ठीक है पांच नाम ठीक है द क्वेश्चन इज आपको किसी भी पांच कंट्रीज का नाम बोलना है उनके कैपिटल्स के साथ कौन बताएगा कोई भी दुनिया के कोई भी पांच देश और उनके कैपिटल्स इंडिया दिल्ली इस्तांबुल सॉरी तुर्की इस्तांबुल पाकिस्तान इस्लामाबाद कोरिया सियोल बेंगलोर कर्नाटक सॉरी ध्यान से सुनिएगा आपको मुझे पांच होमोफोन्स बोलना है होमोफोन्स मतलब वो इंग्लिश के वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल सी एंड सी देखने वाला सी और समंदर वाला सी सो ऐसा आपको मुझे पांच प्लेयर्स बताने यस कौन बताएगा पहले दिस ग्रुप उम्मीद नहीं व्हाट्स द आंसर वेल वेल ओके सी तो मैंने बता दिया वो नहीं चलेगा एट ओके I okay. Leave okay. And bed. One more. Hair. Hair. Very good. Correct. बिल्कुल पांच पेयर सही बताएं इनके लिए जोरदार तालियां. Please come on the stage and collect your gift from IRC Islamic Research Center. Yes. बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो इस ग्रुप के लिए क्या आप लोग तैयार हैं ओके आपको मुझे कॉमन सॉल्ट नमक का केमिकल फॉर्मूला बताना है नमक कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला बाकी लोग प्लीज शांत रहो बाकी लोग शांत रहे कौन बताएगा इस ग्रुप से कॉमन सॉल्ट नमक उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है आयोडीन है K15 मैम ये तो उसकी टाइप हो गई एक फॉर्मूला होता है जैसे वाटर का H2O होता है रिलैक्स इस ग्रुप के लिए साइंस का क्वेश्चन है जैसे वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं यस ये जो सामने बैठे उन्हें दीजिए प्लीज माइक दीजिए उन्हें NaCO थोड़े से रह गया थोड़े
यस सर पीछे होने दीजिए, जो पीछे बैठे होने दीजिए, पीछे बैठे होने दीजिए। एन ए ओ एच। नो यस। और कोई इनके ग्रुप से, और कोई इनके ग्रुप से सर पीछे बोलना। ओके लास्ट चांस। एन ए एन ए ओ एच। रॉन्ग आंसर अगेन, इट्स अ रॉन्ग आंसर। एनीवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप? यस यस रिलैक्स गाइस, प्लीज रिलैक्स। यस वो बीच में खड़े, उन्हें उन्हें दीजिए माइक, दे जाना। एन ए टू आई। इसे नीनी के ग्रुप से बताइए, कौन बताएगा जल्दी? अच्छा ओवर है, उन्हें कौन बताना चाहिए? रेज योर हैंड। ओके क्वेश्चन पास टू दिस ग्रुप, ये जो सामने है उनको दे दीजिए। अच्छा ये बताना, आप रेडी है? यस ओके ओके वेट। NASL. Oh, man, winter. NASL. Very good, correct answer. Please come on the stage. आपको एक फुल फॉर्म बताना है मुझे, और आपको मुझे फुल फॉर्म बताना है GSLV का। GSLV. ये स्पेस से रिलेटेड एक चीज है, एक रॉकेट है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट? Geo satellite launch vehicle. Geo is correct. Launch vehicle is correct. There is one mistake. S wala mistake hai. Koi aur try kar. Synchronize. Satellite. Yes, exactly. Fir se bolo pura complete. Geo satellite launch vehicle. Very good. Exactly. Geo satellite launch vehicle. Geo satellite. Please come on the stage. Now my next question to this group. Are you ready? Okay. Your question is, how many gates of Jannat are there? Jannat mein kitne darwaze hai? 8. Very good, correct answer. Please come on the stage. There are 8 doors in Jannat. Jannat mein 8 darwaze hai. Bilkul sahi jawab diya aapne. Please come on, come quickly. Now, next question to these two groups combined. Combined question puchhenge because strength is less. So, jo bhi dono group mein se bolna chahega, they can answer. The question is, ऐसी कौन सी दो जगह है जहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते? Where is it not allowed to pray salah? ऐसी कौन सी दो जगह है जहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते? Bathroom and graveyard. Graveyard is correct answer, but bathroom is not. Okay, one more place is there. One more place is there. It's not toilet and bathroom, ये नहीं है option में, but there is one more place. Yes, और कोई एक और जगह बाकी है। Graveyard and कब्रिस्तान। Graveyard and कब्रिस्तान are same, दोनों भी same ही है। Yes, yes उन्हें दीजिए। Graveyard and काबा के ऊपर। Very good, correct answer. जोरदार तालियों इनके, please come on the stage. बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने भी सही जवाब दिया था, एक आपको भी गिफ्ट मिलेगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस जिन्होंने ग्रेवियर बोला था फर्स्ट, प्लीज यू आल्सो कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। दिस एक्टिविटी इज कंडक्टेड बाय IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर एंड की लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, एंड आई एम सैयद मुस्तकीम हु इज कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी। नाउ मूविंग अहेड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिस ग्रुप। आर यू रेडी बॉयज? ओके, कुरान का दूसरा नाम क्या है? That is another name given to the Quran. कुरान का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? आसमानी किताब। Wrong answer. Okay, question pass. Okay, no. It's very easy actually. बताइए, आपको बताना है. Okay, I'll give you the options. The option, okay. आप बिना ऑप्शंस के बता सकते हैं? क्वेश्चन पास। ओके ये बताना चाहते हैं। करीम। रॉन्ग आंसर। ओके पारा। रॉन्ग आंसर। उनको उनको दे दीजिए एक बार। अल्लाह की किताब। वैम मास्टर प्लीज उधर बना दो दीजिए। क्वेश्चन पास। ये उनको देना है इनको। यस मुसाफ। Grab answer. Bible. Grab answer. Okay, fine. Just a second. Nabi was Sahabat. Okay, stop it then. Please come on the stage.
Yes. What's your name? आपका नाम क्या है? इरम. What's the answer? अल फरकान है कुरान का. Very good. अल फरकान is the correct answer. बहुत सही जवाब. आपने कौन सी क्लास में आप? Six. Okay, very good. माशाल्लाह, she is in sixth standard and she gave the correct answer. So आपको एक gift दिया जाएगा. Now go to this group. इस group की तरफ बढ़ते हैं आगे. Okay. Now as question. It is a science question. Ready आप लोग? ओके, नाउ देयर इज अ टास्क. आपको एक टास्क करना है, ठीक है? मतलब यू नो एक आंसर नहीं रहेगा, कुछ आपको मुझे बताना पड़ेगा. रेडी आप? हु विल टेल मी द टेबल ऑफ 13? 13 का पहाड़ा कौन सुनाएगा? यस सर. इंग्लिश या उर्दू? आप किस में कंफर्टेबल है? इंग्लिश. ओके प्लीज. 13 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
यस टीचर्स हाथ उठाइए. ओके नाउ अभी एक टीचर्स के लिए एक्टिविटी है. टीचर्स के लिए आपको एक एक्टिविटी है सिर्फ ओनली फॉर टीचर्स. क्या आप लोग रेडी हैं सब लोग? यस सर ना. ओके मैं आपको एक टॉपिक बोलूंगा और टीचर को ऑन द स्पॉट उसके ऊपर 2 मिनट बात करनी है. ओके रेडी? ओके योर टॉपिक इज सेलफोन. यस सेलफोन और मोबाइल फोन ये आज सांस की तरह जरूरी है. आज हर एक के हाथ में मोबाइल नजर आता है जिसके बहुत से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. अगर हम फायदे देखें तो बहुत फायदे हैं कि जो दूर दराज हमारे लोग हैं रिश्तेदार हैं जिसे हम सालों तक नहीं मिल सकते थे तो उनसे हम मुलाकात कर सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए. इसके अलावा जो है तो विकिपीडिया पे गूगल पे आपको दुनिया की पूरी मालूमात आपके घर के अंदर मिल जाती है. ये हर सब्जेक्ट में आपको कोई ऐसे लिखना हो आपको कोई प्रॉब्लम हो. पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमको एक एक प्रॉब्लम के लिए जगह जगह जाना पड़ता था है ना. आज टीचर से पूछना पड़ता था. लेकिन यू आर द लकी पीपल यू हैव द सेल फोन्स जिसे हम लोग जो है तो हमारे पास नहीं था. लेकिन उसी जगह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल आप लोगों की जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर सकती न सिर्फ आपकी बल्कि हम सब की. आप उसके जरिए जो है तो YouTube पर अगर आप अच्छी वीडियोस देखें जैसे कि डॉक्टर फैज की रेडी या इस्लामी कोई या इंफॉर्मेटिव अगर आप ये सब देखें तो उसमें क्या है आपके हम सब के लिए जो है तो बहुत बेनिफिट है. लेकिन वहीं अगर हम सोशल मीडिया YouTube का गलत इस्तेमाल करें हम TikTok पे जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब होने वाली है. दुनिया और आखिरत दोनों खराब होने वाले हैं. स्पेशली मैं बॉयज से कहूँगी कि आप लोग पबजी में अपना कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिए. आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं लेकिन आपको वक्त दोबारा नहीं मिलेगा. और जो मुझे लगता है कि सेलफोन का सबसे गलत इस्तेमाल है तो वो वक्त का वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आपका जो है तो आप उसका देखिए वो एक ऐसी चीज है जिससे आप फायदा भी उठा सकते हैं. टाइम्स अप सर. थैंक यू सर. थैंक यू टाइम्स अप. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. आई एम डॉक्टर सैयदा लुबना शिरीन. प्लीज मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज. प्लीज कम ऑन द स्टेज. बिल्कुल सर बेटा आपने जोरदार तालियां मैम के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग तैयार हैं?
Okay. It's also activity kind of a question. Activity question बोलना. मैं आपको एक English alphabet बोलूँगा. Alphabet बोलूँगा. आपसे उससे मुझे आपने मुझे उसके चार चीजें बतानी है. Name, place, animal or thing. तैयार हो? Okay. लेकिन मैं आपको पांच अल्फाबेट्स बोलूंगा, पांचों अल्फाबेट्स के बता रहे, ठीक है? ओके, कौन बोलेगा इनमें, इन ग्रुप में से? अच्छा, प्लीज स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम? फरीहा. ओके, फरीहा, राइट? यस. ओके, द फर्स्ट अल्फाबेट वाई. यास्मीन. याक. फर्स्ट नेम, देन प्लेस. प्लेस यमन. ओके, एनिमल. याक. थिंग. ये सुने. अच्छा, आप शाम में आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए. हाँ, वहां पे खड़े रहिए. आप बोलिए. ऑस्ट्रेलिया उसे आता है कब से? ओके, एनिमल. ओके, थिंग. ऑरेंज. ओके, नाउ द नेक्स्ट अल्फाबेट इज टी. टी. टी पॉइंट. तरी. ओके, नेम, प्लेस. तुर्की. ओके, एनिमल. टाइगर. थिंग. टेबल. ओके, वेरी गुड. क्लैप फॉर हर, प्लीज क्लैप फॉर हर, कम ऑन द स्टेज. Now, for this group, आपके लिए, okay? Again, there is going to be an activity, okay? Ready आप? आपको एक tongue twister बोलना है. English में tongue twister, okay? Now the tongue twister is, she sells seashells on the seashore. और एक बार repeat करूँगा मैं, she sells seashells on the seashore. और एक बार repeat करूँगा, she sells seashells on the seashore. आपको ये पांच बार बोलना है. कौन तैयार है? या दिस ग्रुप. शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. 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 इस तरह से आपको पांच बार बोलना है. ओके, यस, प्लीज क्लास है. Seashells in the seashells. Seashells in the seashells. Seashells. I'll repeat once again. She sells seashells on the seashore. Seashells in the seashells. Seashells in the seashells. Seashells on 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 the seashells. Very good. Please clap for me. Please come on the stage. इस एक्टिविटी के लिए मैं बताऊंगा नहीं एक्टिविटी क्या है, लेकिन मुझे दो लोग चाहिए. कौन दो लोग परफॉर्म करेंगे? वो जो पीछे उन्होंने पहले हाथ रेस किया. अच्छा ठीक है, रुक जाए, बैठ जाए सब. जो मेरे क्वेश्चन के आंसर देंगे वो लोग इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है? रेडी? ओके, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? यस, प्लीज कम ऑन द स्टेज. एट आ गए. सेकेंड क्वेश्चन, रेडी? ट्रू और फॉल्स है, ठीक है? ट्रू और फॉल्स बताना है. ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड, प्लीज कम ऑन द स्टेज. नाउ दे हैव थ्री थ्री बलून्स. दोनों के पास तीन तीन बलून्स है. इनकी एक्टिविटी ये है कि सबसे पहले उनको बलून को पूरा फुलाना है और उसको बर्स्ट करना है चेयर के ऊपर बैठ के. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जिसका सबसे पहले है वो विनर होगा. yes.
पीछे स्क्रीन है, पीछे यस ही इज द विनर, ही इज द विनर, जोरदार तालियां इनके लिए। यस वेरी गुड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यस ओके, और यहाँ पे इनको हम लोग एक प्राइज देंगे फ्रॉम IRC एंड की लाइफ स्किल्स। Okay, now, yes again, we'll move towards this group. Are you ready for the quiz? Yes, okay. So, activity karna hai, quiz karna hai? Okay, now activity round ho gaya, abhi hum log fir se quiz round ki taraf aate hain, theek hai? Inme se kaun se nabi hai jinka naam sabse zyada Quran mein likha gaya hai, sabse zyada baar aaya hai? Kaun batayega? Kaun se nabi ka naam Quran mein sabse zyada baar aaya hai? ओके कौन आप खड़े हो जाइए आप। यस यू यस स्पीक इन द माइक। मूसा अलैहिस्सलाम। करेक्ट आंसर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। द रूल इज दैट आपको हाथ उठाना है, आंसर नहीं देना है। उन्होंने आपसे पहले हाथ उठा लिए थे। ओके यस प्लीज कम ऑन द स्टेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस ग्रुप। Which angel is hellfire's gatekeeper? कौन सा फरिश्ता है जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा है, खड़ा रहेगा? मालिक। Very good, correct answer. Please clap for him. Please आप स्टेज पर आ जाइए। Yes. Next question. Are you ready? आप कौन से क्लास के हैं सभी लोग? Okay, 9 के। अब मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा। Okay. Okay. Now, मैच पसंद है आपको? सो फिर हम मैच के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। ओके यस फाइन। सो द क्वेश्चन इज, मुझे आप कौन मुझे यहां पर यू नो 2 से लेके 9 तक स्क्वायर्स बताएगा? यस उनको उनको लीजिए माइक। 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 100. Very good, please clap. Yes, ये छोटे बच्चों के लिए भी आप एक क्विक राउंड ले लें मैम, क्योंकि उन लोग भी गप से बैठे, इन्हें मौका नहीं मिला। यस यहाँ पर आकर मुझे कोई पोयम सुनाएगा उर्दू में, उर्दू में या इंग्लिश में? पोयम याद है किसी को? यस प्लीज कम ऑन स्टेज। उनको माइक दे दीजिए। नज़म सुनाने हम नज़म सुनाएंगे। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो के हम को मंजिल बुला रही है दूर से, चलो के सारे रास्ते धुले हुए है नूर से, चलन खुला खुला से है उपक धुला धुला से है, दिए जला राह में वतन का नौ सिंगार है, नई नई बाहर है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो के काखिल तक वस्ता बनाएंगे, रविश रविश को कह चबन के कह कशा बनाएंगे, कली कली निकाल के जलाओ दीप प्यार के, चले हमको अपने गुलिस्ता पे आज इत्तेदा है, नई नई बाहर है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। सतगुरु वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको गिफ्ट मिलेगा। सो इसी के साथ हम लोग आज के इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये प्रोग्राम था पावर्ड बाई स्पॉन्सर्ड बाई IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर एंड कंडक्टेड बाई की लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट IIM सैयद मुस्तकीम। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सीधे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।